गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 4th ऑफ अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि आज अपना प्रीलिम्स का एग्जाम प्रीलिम्स 2020 देने के लिए जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ब्रीफ में। तो कार्बन नेट जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में देखेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी एक एमसीक्यू है, स्वच्छ भारत पुरस्कार देखेंगे कि किसको यहाँ पर दिया गया है, नेशनल जल जीवन मिशन को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा होगा वो एक्सरसाइज बोंगो सागर के बारे में होगा। देन आर्टिकल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में भी दिया था यहाँ पर, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बनाए हैं हमने। एंड देन इसके अलावा जोम्बी फायर्स जो था वो भी न्यूज के अंदर था, देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के बारे में। जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि उनको करंट अफेयर्स का या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उनको यहाँ पे बेल आइकन जो होती है उसको प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो एनसीईआरटीज के वीडियोस आने वाले हैं और जो बाकी के सब्जेक्ट्स स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, उनका नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके अलावा मार्किंग स्कीम जो हमारी रहने वाली है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अपर टू ब्रैकेट्स में आपका स्कोर होता है तो वो सेफ जोन में कहलाता है, मतलब 6 या 6 से ज्यादा आप स्कोर करते हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं, और इसी वजह से कोशिश करिए 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। लेस देन 6 भी अगर आपका स्कोर आता है देन आपको दोबारा से इसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर जो कि नेट जीरो के बारे में पूछा गया। नेट जीरो को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? स्पीकिंग एट द यूएन जनरल असेंबली अभी जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने 2 प्रॉमिस जो है यहाँ पे किए और देवर द वेलकम सरप्राइज क्लाइमेट चेंज वॉचर्स के लिए। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर शी जिनपिंग ने 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोमिसेस किए, इसी वजह से नेट जीरो न्यूज में था। देख लेते हैं क्या है ये। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशन आर कॉम्पनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो ये एक ऐसा स्टेट होता है जबकि जो भी कंट्री इसको कहती है कि वो नेट जीरो करेंगे या नेट जीरो का स्टेटस अचीव करेंगे, वहां पर जो एमिशन होता है वो कॉम्पनसेट किया जाता है किसके द्वारा? बाय एब्जॉर्बिंग एंड रिमूवल ऑफ द गैसेज जो कि एटमोसफेयर के अंदर बुरी गैसेज होती है। एब्जॉर्प्शन कैन बी डिक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज फॉरेस्ट। एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको डिक्रीज किया जा सकता है किस तरीके से? बाय कार्बन सिंक्स बनाकर जैसे कि फॉरेस्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? टेक्नोलॉजी सच ए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है? इस पर्पस के लिए टेक्नोलॉजीज जो हैं जैसे कार्बन कैप्चर हो गई या फिर कार्बन स्टोरेज हो गई, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। सोचिए इसका क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहां पर शी जिनपिंग ने कहा है कि जो चाइना है इट विल बिकम अ कार्बन नेट जीरो कंट्री बाय 2060। तो 2060 तक यहां पर जो चाइना है वो नेट जीरो बनने वाला है। और काफी स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकली है नेट जीरो में यही चीज बताई गई है कि जो कंट्री का एमिशन होगा उसका जितना भी एमिशन है, मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ एमिशन किया जा रहा है तो एक्स अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कर लेगी। मतलब जितना हम रिस्पॉन्सिबल है इसको पल्यूट करने के लिए अपनी कंट्री को या फिर इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को पल्यूट करने के लिए, उतना ही एमिशन को हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात करेगी तो पहली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। एब्जॉर्प्शन कैन बी डिक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स इन फॉरेस्ट। देखिए जब आप फॉरेस्ट बनाएंगे, फॉरेस्ट जो है कार्बन सिंक्स के तौर पे काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट होंगे तो कार्बन सिंक्स भी यहां पे ज्यादा हो पाएंगे। मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ये ऐसी हार्मफुल गैसेज है इनका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा जितने ज्यादा फॉरेस्ट आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट हेल्प करेंगे इस एब्जॉर्प्शन को करने में। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट जो दी है टेक्नोलॉजीज को लेके कि यहां पे कार्बन कैप्चर कार्बन स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी जो है उसको यहां पे यूज किया जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। यहां पे चाइना की एक और स्टेटमेंट भी आई है कि 2030 तक, मतलब 2030 तक चाइना का जो एमिशन है वो पीक करेगा, मतलब वो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगा और उसके बाद वो डिक्रीज जो होगा एक देखने को मिलेगा चाइनीज एमिशन के अंदर। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में पूछा गया। वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है? वाइल्ड लाइफ वीक इज अ यूएन डेजिग्नेटेड वीक, यूएन के द्वारा डेजिग्नेट किया गया ये एक सप्ताह है। द एनुअल थीम ऑफ द कैंपेन इज टू प्रमोट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फोना दैट इज एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप फोना को प्रिजर्व करेंगे, खासतौर पर एनिमल लाइफ को आप प्रिजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ वीक के अंदर। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वर्क्स टू इम्प्रूव अवेयरनेस टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या करता है, वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है, अवेयरनेस टू इम्प्रूव
किस चीज के लिए? वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ वीक की बात करें तो ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और अभी ही इसे सेलिब्रेट करना हमने शुरू किया है। अक्टूबर 1st से ये स्टार्ट होता है और अक्टूबर 8 तक चलता है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये वीक इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया, दैट इज NBW ने, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने, 1972 से। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1972 में किया गया था, और यहाँ पे पूरा हफ्ता जो है प्रिजर्वेशन की बात करी जाती है, अवेयरनेस की बात करी जाती है वाइल्ड लाइफ को लेकर। तो पहली स्टेटमेंट यूएन डेजिग्नेटेड वीक ये बिल्कुल भी नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, सीधे ही आप ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिएगा। सी और डी के देखें तो तीसरी स्टेटमेंट दोनों में है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगी, मतलब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये इंप्रूव करने की कोशिश करता है, इसमें बेसिकली अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है वाइल्ड लाइफ के कंसर्न, प्रिजर्वेशन की बात करता है। सेकंड स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या है। द एनुअल थीम की बात करी गई है, एनुअल थीम जो इस कैंपेन का है वो है कि आपको फोना को प्रिजर्वेशन करना है, दैट इज एनिमल लाइफ को प्रमोट करना है और प्रिजर्वेशन करना है। तो जो थीम दिया है वो भी यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा वाइल्ड लाइफ वीक कंसेप्चुलाइज किया गया था 1952 में, ओवरऑल इसका जो मेन एजेंडा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अवेयरनेस किस तरीके से फैलाई जाए और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड किस तरीके से किया जाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन ये मार्च 3 को किया जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ वीक अलग है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अलग है, और दोनों अलग अलग दिनों में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आंसर हमारा यहां पे डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। पूछा गया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, हो सकता है। इट ऑपरेट्स एंड मैनेजेस वेसल्स दैट सर्विस बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइंस। ये जो ऑपरेट करता है किस तरीके से और मैनेज करता है वेसल्स को, ये दोनों ही एरिया में करता है, चाहे वो नेशनल लाइंस पे हो या इंटरनेशनल लाइंस पे हो सकता है। हेडक्वार्टर इसका कोचीन में, द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन कोचीन। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे, और क्यों न्यूज में था ये रिसेंटली वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अभी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग ने लॉन्च किया है, और इस ओकेशन के ऊपर, इसके फाउंडेशन डे की ओकेशन के ऊपर मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको, और यहाँ पे 59 ग्लोरियस ईयर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए भी, और अब ये 60th ईयर में एंटर कर रहे हैं, इसके लिए यहां पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो हेडक्वार्टर इसका कोचीन में नहीं है, हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर लोकेट करता है इसका। तो यहां पे अगर आपको इसके हेडक्वार्टर की आपको जानकारी थी कि लोकेशन क्या है, तो सीधे ही आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि तीसरी जो स्टेटमेंट है मोस्ट क्रूशियल स्टेटमेंट थी, जब आपने इसको एलिमिनेट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है? यस, इट इज अ PSU। ध्यान रखिएगा इट ऑपरेट्स एंड मैनेजेस वेसल, चाहे वो नेशनल लाइंस पे हो या इंटरनेशनल लाइंस पे हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहां पे करेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। इसके अलावा अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें तो नवरत्न स्टेटस इसको मिला हुआ है। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न ये स्टेटस दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, किस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। चलते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि बात करता है विच स्टेट रिसीव द फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छ भारत पुरस्कार। अभी रिसेंटली जो है स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्वच्छ भारत दिवस के ऊपर 2020 के अंदर जो गांधी जयंती को हमने सेलिब्रेट किया था, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्वच्छ भारत पुरस्कार का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिया है, लेकिन किस स्टेट को दिया है ये आपको बताना है। एग्जाम में मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये पर्टिकुलर प्राइज दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिया है, लेकिन आप बताइए। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पे स्वच्छ भारत 2020 अवार्ड जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को, यूटीज को, डिस्ट्रिक्ट्स को, ब्लॉक्स को, इवन ग्राम पंचायतों को भी ये जो पर्टिकुलर प्राइजेस हैं, अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं, और वेरियस इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, और अभी 6 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं, इस वजह से प्राइजेस और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रिसेंटली गुजरात को ये प्राइज दिया गया है, स्टेट्स के अंदर टॉप किया है गुजरात ने। मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स के अलावा ये डिस्ट्रिक्ट्स को, ब्लॉक्स को, ग्राम पंचायत को भी दिया जाता है। तो यहां पे जो तिरुनवली है तमिलनाडु के अंदर,
इनको ये प्राइस दिया है किस कैटेगरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के अंदर, और उज्जैन मध्य प्रदेश में खरचोड़ करके एक जगह है जिसको बेस्ट ब्लॉक का प्राइस मिला है। उसी तरीके से बेस्ट ग्राम पंचायत जो है वो सेलम को मिला है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन के लिए। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है स्टेट किसने टॉप किया है, तो सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किस मिनिस्ट्री ने दिया वो भी पता होना चाहिए, और जो तिरुनेलवली है तमिलनाडु के अंदर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उसे यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल जल जीवन मिशन को लेकर है। नेशनल जल जीवन मिशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली कहती है इट हैज रीच्ड आउट टू स्टेट्स एंड यूटीज टू एंश्योर दैट ग्राम सभाज आर कन्वीन्ड एट द अर्लीस्ट टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग सेफ वाटर इन ऑल द स्कूल्स आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन द विलेज इन द नेक्स्ट 100 डेज। तो यहाँ पे नेशनल जल जीवन मिशन के अंदर वेरियस स्टेट्स को रीच आउट किया गया है कि आप स्कूलों के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगले 100 दिनों के अंदर जो पानी का प्रावधान है रेजोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग सेफ वाटर वो आप कर दें। दीज फैसिलिटीज विल बी ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द ग्राम पंचायत एंड और सब कमेटीज, दैट इज विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी और पानी समिति। ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी गांवों के अंदर भी, तो वहां पर इसको संभालने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी गई है। सब कमेटीज जैसे कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी को और पानी समिति को ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हमने जल जीवन मिशन के बारे में पहले भी देखा था, यूनियन मिनिस्टर और जल शक्ति ने लॉन्च किया था स्पेशल मिशन, और अभी इसमें रिसेंटली जो चीज बताई गई है वो ये है कि अगले 100 दिनों के अंदर जो वाटर सप्लाई है, पोर्टेबल वाटर सप्लाई, पाइप वाटर सप्लाई, वो आपको एंश्योर करनी है स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर और आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर बात करें जाए जल जीवन मिशन की, तो इसका मेजर एम जो है, हम जो पहले भी पढ़ चुके हैं, वो ये है कि पाइप्ड वाटर जो है वो प्रोवाइड करना है रूरल होम्स के अंदर, रूरल घरों के अंदर बाय 2024 तक इसे प्रोवाइड करना है। अंडर द मिशन स्पेशल फोकस जो होगा वो विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर किया जाएगा। फैसिलिटीज को मैनेज कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, यहाँ पे ग्राम पंचायत को दी गई है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज को और पानी समिति को ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। तो यहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई 2024 तक देनी है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, पीआईबी से ली गई है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट बनके क्वेश्चन में आ सकती है। इंटीग्रेटेड डिमांड सप्लाई साइड मैनेजमेंट जो है वो इसके अंदर करी जाएगी, लोकल लेवल के ऊपर करा जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को भी इसके अंदर कन्वर्ट करा जाएगा, जहां पे दूसरी जगह पे दूसरी स्कीम्स के अंदर जो पानी प्रोवाइड करने की बात करी गई है, प्रोविजंस डाले गए हैं, तो उनको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो स्कीम्स हैं वो इस तरीके से फैली ना रहे, एक जगह पे कॉन्ग्रीगेट हो जाए। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी आता है बारिश से, जो अभी तक वेस्ट चला जाया करता था, उसको किस तरीके से संजो के रखना, उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। मेंस के लिए आपको देखिए इसी तरीके से पॉइंट्स लिखने होते हैं, अगर जल जीवन मिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये स्कीम्स को मेंशन कर सकते हैं आप, इस स्कीम के इस कंपोनेंट को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान से पढ़ के चलिएगा, बिकॉज सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक करना नहीं है, प्रीलिम्स के बाद मेंस क्रैक करके इंटरव्यू क्रैक करना भी है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए ओके, सो प्री कम मेंस का हमारा गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया, उसके अंदर वेरियस आपको जो टेस्ट सीरीज हैं, इसके अंदर वीडियो सीरीज हैं, वो 2021 के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो 2021 के लिए मिल जाएगी, और काफी सारी जो वीडियो सीरीज हैं जिसमें पूरी बुक्स हो गई, स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, आर्ट एंड कल्चर की बुक हो गई, इनको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया गया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बात करता है एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज बोंगो सागर के बारे में पूछा गया, एक्सरसाइज बोंगो सागर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है। पहली कहती है इट इज फर्स्ट एडिशन वॉज हेल्ड इन 2019, इसका जो पहला एडिशन था वो 2019 में कंडक्ट किया गया था। इट इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। इट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार के बीच में ये कंडक्ट करी जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो 3 अक्टूबर से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि बायलेटरल में बाय आता है, बाय मीन्स टू, दो ही कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें, ट्राई मतलब होता है 3,
तीन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तीन कंट्री नहीं है तो फिर म्यांमार का भी यहाँ पे नाम नहीं आएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो बची गया हमारी पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट एडिशन 2019 में किया गया था और अभी 3 अक्टूबर 2020 को इसका सेकेंड एडिशन जो है वो किया गया। सो इस एक्सरसाइज के अंदर शिप्स जो होती है, नेवीज जो होती है, दोनों साइड की पार्टिसिपेट करती है, वाटर ड्रिल्स करती है, और इंडियन ओशन के अंदर किस तरीके से ऑपरेशनलाइजेशन करना है उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग भी करी जाती है। एक्सरसाइज जो है इसका ये फॉलो करी जाएगी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के साथ, जिसको INBN कॉर्पोरेट भी कहा जाता है। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, BN स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, कॉर्पोरेट मींस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है। तो ये भी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में करी जाएगी, इससे नेक्स्ट डे मतलब 4th and 5th आज और कल के दिन में ये कंडक्ट करी जाएगी, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश की जो यूनिट्स हैं वो जॉइंट पेट्रोलिंग करेगी इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन के आसपास। कंडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट जो है इससे बेसिकली दोनों नेवीज की जो अंडरस्टैंडिंग और जो कॉपरेशन है वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है, और काफी अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो भी बे ऑफ बंगाल में दोनों नेवीज ने सक्सेसफुली रोक दी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोनों ही बोंगो सागर हो या फिर कॉर्पोरेट हो, बायलेटरल एक्सरसाइज, कौन कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर, इंडिया एंड बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पे, तो गलत आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। किसके बारे में है, एनुअल क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ है, रिपोर्ट के हिसाब से डिक्रीज हुआ है क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC और ST के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो रिड्यूस हुआ है। हो सकता है उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, सबसे ज्यादा क्राइम जो है शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं अगेंस्ट द शेड्यूल ट्राइब एज पर द रिपोर्ट। सोची फिर डिस्कस करेंगे, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और प्रीलिम्स में तो काफी पूछा ही जा सकता है। चलिए तो यहां पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने यहां पे एनुअल क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को रिलीज किया है, और इसके हिसाब से जो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है इन द ईयर ऑफ 2019 एज कंपेयर टू 2018 ये काफी इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे डिक्रीज नहीं हुआ है, इस वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्या हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्राइम को रिकॉर्ड किया गया, तो जी हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे क्राइम को रिकॉर्ड किया गया, दैट इज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सिमिलरली मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो रिकॉर्ड किया गया एंड दैट इज अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। इसमें अगर मैं बाद में बताऊं, उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरा रैंक आता है वो आता है राजस्थान को और फिर बिहार का। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब के केस में दूसरा नंबर आता है राजस्थान का और फिर आता है उड़ीसा का, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एट्रोसिटीज आती हैं इसके अंदर, तो ये जो स्टेट्स के नाम है वो आपको पता होने चाहिए। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा, डी, नहीं डी आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सी क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, NCRB गृह मंत्रालय के अंदर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो डेटा है ये भी आप देख सकते हैं क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट जो है वो यहां से अगर हम 2015 की बात करें 16-17 में इंक्रीज हुआ, 2018 में एक डिक्लाइन देखा गया, और 2019 में ये ज्यादा नंबर यहाँ पे आपको NCRB के डेटा में दिख रहा है। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब के केस में देखा जाए 2016 से इंक्रीज हुआ, 18 में डिप हुआ और 19 में फिर दोबारा देखने को ज्यादा यहाँ पे डेटा मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कंसर्निंग NCRB डेटा को लेकर। ये देखिए NCRB डेटा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि अगर मेंस में भी पूछा जाता है तो इसमें से आपको डेटा को साइट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो यहाँ पर यूपी जो है वो टॉप करता है जब हम वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम की बात करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द केसेस अगेंस्ट वुमेन वर रजिस्टर्ड अंडर क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ केसेस जो वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम किए जाते हैं उसमें जो रजिस्टर किए जाते हैं वो क्रुएलिटी के बेसिस पे करे जाते हैं, जो कि या तो हस्बैंड करता है या उसी का कोई रिलेटिव करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो 2019 में अगर दोबारा देखें 2018 के कंपेरिजन में तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है ये भी 7.3% राइज हुआ है यहाँ पे। तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन तीनों ही जो हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा कहा गया कि जो नंबर ऑफ रेप केसेस है वो 87-88 पर डे यहाँ पर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं जो क्राइम के अंदर डील किए जाते हैं IPC के अंदर
उसमें जो बात करी गई है उसमें बेसिकली जो क्रुएलिटी है उसके बेसिस पर रजिस्टर किए जाते हैं, जो कि या तो हस्बैंड करता है या ही उसी का कोई रिलेटिव करता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है असोल्ट ऑन वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। तो यहाँ पे असोल्ट जो है टू आउटरेज हर मोडेस्टी, ये सेकंड रैंक पे आता है। उसके बाद किडनैपिंग आता है, एबडक्शन आता है, ठीक है। और अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर टॉप करने वाला जो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को काफी ध्यान करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो विमेन है उनके अगेंस्ट में क्राइम को यहाँ पर उसकी रेट को एटलीस्ट कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंस्टेंस ऑफ ज़ोंबी फायर्स के बारे में पूछा गया। इंस्टेंसेस ऑफ ज़ोंबी फायर्स हैव बीन रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम द, कहां से इसको रिपोर्ट किया गया है। वेरियस रीजन्स आपको दिए गए हैं, सब सहारन रीजन दिया गया है, टंड्रा रीजन दिया गया है, यूएसए, नन ऑफ द अबव। सोचिए कौन सा रीजन हो सकता है जहां पे अभी ज़ोंबी फायर्स को रिपोर्ट किया गया था, न्यूज में मेंशन किया गया था। चलिए, तो यहां पे बताया जा रहा है कि जो आर्कटिक रीजन है यहां पे जो फायर रजीम्स हैं वो चेंज हो रही हैं, और ज़ोंबी फायर्स जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली जो है वो यहां पे देखने को मिली है फ्रोजन टंड्रा के अंदर। ज़ोंबी फायर होती क्या है, इट इज अ फायर फ्रॉम अ प्रीवियस ग्रोइंग सीजन दैट कैन स्मोल्डर अंडर द ग्राउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन रिच पीट। इसका जो मतलब है मैं आपको एक फोटो के थ्रू समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना जान लीजिए इसको होल्ड ओवर फायर्स भी कहते हैं, और जो आपका वेदर है जब वेदर वार्म होता है तो ये फायर इग्नाइट कर जाती है। देखिए होता क्या, जो मैंने आपको इतनी लंबी लाइन बताई दैट इट इज अ फायर फ्रॉम द प्रीवियस ग्रोइंग सीजन, पुराने सीजन की फायर होती है जो कि अंडर द ग्राउंड रहती है लेकिन फिर से वो दोबारा से रीसरफेस रखने की पावर रखती है। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को देखिए, यहां पे इनिशियल फॉरेस्ट फायर हुई, ठीक है। तो यहां पे जो धीरे धीरे क्या होगा, फायर तो यहाँ पे सिमर डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी, और सब सरफेस फायर तो नीचे रहेगी, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा फायर नहीं, ऐसी नहीं है जो आप देख पाए, लेकिन जो इसकी हीट होती है वो आपको यहाँ पे महसूस होगी। धीरे धीरे जो हीट है वो ट्रेवल कर सकती है और सब सरफेस लेवल दूसरे रीजन के सब सरफेस लेवल पर पहुंच सकती है, और यहां से इस सरफेस लेवल से फिर जो फायर है दोबारा इग्नाइट हो सकती है, ठीक है। तो पहले आग कहाँ लगी, उससे जो फायर थोड़ी सी बची और उसकी जो पूरी हीट थी वो सब सरफेस लेवल पर ट्रैवल करते हुए किसी दूसरी जगह पर पहुंची, और वहां पे फिर ग्राउंड से ही इस पर्टिकुलर फायर को इग्नाइट किया गया, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है कि पहली फायर कहां लगी, उसकी वजह से दूसरी फायर उससे काफी दूर भी लग सकती है। इसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर इनिशिएटेड बाय सब सरफेस फायर, ऐसी फॉरेस्ट फायर जो कि सब सरफेस मतलब उसके नीचे, जमीन के नीचे से वो शुरू हुई। तो यहां पे ये जो रिसेंटली फिनोमिना देखा गया है टंड्रा रीजन के अंदर देखा गया है, तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो सकता है। यहां पे ज़ोंबी फायर्स के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के बारे में पूछा गया। इस पर्टिकुलर मिशन को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है, स्किल डेवलपमेंट ने, या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो असीम इसे कह सकते हैं, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, और इसको स्टार्ट किया गया है वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट के अंडर में। इसका एम रहेगा कि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, एंटरप्राइज को इनोवेट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके एससी मतलब शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव मिशन का क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शेड्यूल कास्ट यूथ के अंदर इग्नाइट करना, स्पेशल प्रेफरेंसेस जो है वो दिव्यांग को दी जाएंगी, 1000 इनोवेटिव आइडियाज 2024 तक यहाँ पे जनरेट करने की बात करी गई है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर शेड्यूल कास्ट के ऊपर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके की चीजें आपको जरूर लिखनी है उसके अंदर। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट यूथ की बात करी जाती है तो भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो असीम मिशन है दैट इज अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये मेंशन करना है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स देख लीजिए जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करना है, सपोर्ट देना है, और हैंड होल्ड स्टार्टअप प्रमोट करने के लिए आइडियाज जब तक कि वो कमर्शियल स्टेज नहीं पहुंच जाते हैं तब तक सपोर्ट करना है, और 1000 इनोवेटिव आइडियाज 2024 तक लाने की बात करी गई है, इंसेंटिव्स दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो यहां पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अब हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन के बाद देखेंगे कि प्रीलिम्स का हमारा कौन सा क्वेश्चन है और विनर ऑफ द डे के बारे में भी देखेंगे।
इसके अलावा अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो PL10 कोड को यूज कर लीजिएगा, PL10 इज माई कोड। इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दैट कि आपने PL10 कोड यूज किया है। देन आई विल एड यू इन माई व्हाट्सएप ग्रुप और आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन जो है वो कर पाएंगे। चलिए तो रिविजन अपनी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हमने करी थी नेट जीरो से, तो यहां पे नेट जीरो किसको लेके न्यूज में था, नेट जीरो चाइना को लेके न्यूज में था, क्योंकि चाइना ने कहा है कि 2060 तक हम लोग कार्बन नेट जीरो बनने वाले हैं। तो दिस इज नेट जीरो, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है या फिर कार्बन नेट जीरो करके भी आ सकता है। अगर यूपीएससी कंफ्यूज करना चाहेगी तो कार्बन शब्द हटा देगी यहां से। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज की जो बात करी गई, कार्बन कैप्चर की बात करी गई है, साथ में ही कार्बन स्टोरेज की बात करी गई है। एब्जॉर्प्शन उतना ही इंक्रीज होता है जितने ज्यादा फॉरेस्ट और कार्बन सिंक्स आप लगा के रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2030 तक यहाँ पे जो चाइना है वो पीक करेगा अपने कार्बन एमिशन के अंदर और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इसको कम किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में था। तो यहाँ पे हम इसे सेलिब्रेट करते हैं October 1 to October 8 वाइल्ड लाइफ वीक जो है अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को आता है। अवेयरनेस फैलाने की बात करी गई है फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। देन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, नवरत्न का स्टेटस इसे मिला हुआ है और अभी डायमंड जुबली जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करी गई है। हेडक्वार्टर इसका कोचीन में नहीं है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में हमने देखा था पर्टिकुलर प्राइस के बारे में, तो गुजरात जो है उसने टॉप किया है यहाँ पे स्वच्छ भारत अवार्ड्स के अंदर और इसमें वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ग्राम पंचायत को भी ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। जल जीवन मिशन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे ग्राम सभा के अंदर अगले 100 दिन दिए गए हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स में पानी पहुंचाने के लिए और ग्राम पंचायत सब कमेटीज विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी इसको इंप्लीमेंट करेगी। मेंस के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन को लेकर, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बंगो सागर एक्सरसाइज के बारे में था। तो ये बेसिकली कॉर्पेट से पहले एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी और इंडिया बांग्लादेश जो है नेवीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। कहाँ पे, ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर। उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के बारे में। तो यहाँ पे जो क्राइम की बात करी गई शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में, वहाँ पे डेटा हमने देखा इंक्रीज हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों स्टेट्स को काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमने देखा था क्राइम अगेंस्ट वीमेन, तो वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है और हमने ये डेटा भी देखा था कि 2018 के कंपैरिजन में 2018 में कुछ यहाँ पे डेटा डिक्लाइन हुआ था लेकिन 2019 में दोबारा से शोट अप किया है। 2019 की बात करें तो सेम डेटा क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है इंक्रीज हुआ है और मेजोरिटी ऑफ द क्राइम जो होते हैं वो हस्बैंड के द्वारा ही किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9th हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 9th में जोम्बी फायर्स के बारे में मैंने आप एक्सप्लेन किया था टंड्रा रीजन के अंदर कि कैसे एक पर्टिकुलर रीजन से ये ट्रैवल करके दूसरे पर्टिकुलर रीजन तक पहुंच जाती है। सब सरफेस फायर भी इनको कहा जाता है, होल्ड ओवर फायर भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन असीम के बारे में देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का मिशन है। 4 मुख्य इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बारे में भी हमने स्लाइड में देखा था। सो यहाँ पे हमारे रिवीजन कंप्लीट होती है। क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है वो है गंगा अवलोकन के बारे में। लास्ट टाइम देखा था हमने गंगा अवलोकन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो कल क्वेश्चन हमने पूछा था उसका करेक्ट आंसर दिया अनु डबराल ने। तो अनु आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जो भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इवन 0 भी स्कोर किया तो उसे भी लिख दीजिएगा। रिवाइज करने के बाद जब आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं तो उसे दोबारा से एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो जरूर लिखिएगा। इससे आप आगे आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट जो है अपने मार्क्स में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट है तो भी आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।